दोस्तों नमस्कार, मैं केसी बैरवा आरसी कीर्तन पॉलिटेक्निक कॉलेज से। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ME 301 आरएसी है। टॉपिक है साइक्लोमेट्रिक्स में, सब टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स। या एयर स्ट्रीम्स की बात करते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अपना देखा है कि जहाँ पर आपके पास में आउटडोर एयर सप्लाई की जाती है, सर्कुलेटेड एयर कि यानी आपके पास में जहाँ एयर का वेंटिलेशन किया जाता है, फ्रेश एयर सप्लाई की जाती है आपके पास में जो कंडीशनल स्पेस में है, सो वहाँ पर आपके पास में दो एयर स्ट्रीम्स मिक्स होती हैं। एक रिसर्कुलेटेड एयर होती है और दूसरी जहाँ से आप फ्रेश एयर लेते हैं, आउटडोर एयर जो आउटसाइड की जो एयर होती है तो उन दोनों को मिक्स किया जाता है। उसके बाद आपके पास में डिजायर कंडीशंस जो होती हैं कंडीशनल स्पेस की होती हैं वो फिक्स होती हैं। सो ऐसे सिचुएशन में आपके पास में जो आउटसाइड की जो एयर आ रही है, आप जी रिसर्कुलेटिंग जो एयर है उसके साथ मिक्स कर रहे हैं और डिजायर का जो कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उन दोनों का क्या प्रॉपर रेशियो मिक्स किया जाए ताकि आपके पास में जो डिजायर कंडीशन है वो अचीव हो जाए। दूसरी बात है कि आपके पास में इससे जो लोड कैलकुलेशन है कि कूलिंग कोयल है या हीटिंग कोयल है जिस पर भी आपके पास में लोड आना है, या डीह्यूमिडिफाइड है या ह्यूमिडिफाइड है जिस पर भी लोड आना है, वो अपन इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आगे देखिए, अपने पास में दो केसेस हैं। एक कि यहाँ से आपके पास में ये फर्स्ट लिखा हुआ है एयर स्ट्रीम, आपके पास में ये एयर स्ट्रीम है जहाँ से इसका मास फ्लो रेट है आपके पास में M1 है। इसकी ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं वो W1 है और स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करते हैं वो H1 है। यानी यहाँ से जो एयर स्ट्रीम आ रही है आपके पास में ये आउटसाइड एयर हो सकती है, ठीक है। सो दूसरी कंडीशन में आप देखिए कि दूसरी स्ट्रीम जो है आपके पास में, ये दूसरी स्ट्रीम है आपके पास में स्ट्रीम नंबर 2, इसका जो मास फ्लो रेट है आपके पास में M2 है। इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं W2 है और स्पेसिफिक एंथैल्पी है वो H2 है। यानी आप इसको रिसर्कुलेटिंग एयर मान सकते हैं जिसको आप कंडीशन स्पेस में रिसर्कुलेट कर रहे हैं। देखिए दोनों की जो मिक्सिंग होगी वो इतनी फास्ट होती है कि अपन ये मानते हैं कि आउटर साइड से ना तो ही इसमें हीट मतलब इनसाइड एंटर करती है ना ही एग्जिट करती है। यानी मिक्सिंग इतनी फास्ट होती है, इतनी हाई वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज है वो जीरो होती है। यानी अपन इस प्रोसेस को एडियाबेटिक मिक्सिंग मान सकते हैं। सो एडियाबेटिक केस में अपने पास में यहाँ से ये जो मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग होने के बाद में आपके पास में जो मिक्सिंग के बाद में डिजायर कंडीशन है वो 0.3 पर है। इस 3 सिचुएशन पर अपन मानते हैं कि इसका जो मास है वो M3 है, इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो W3 है और रिजल्टेंट फाइनल जो एंथैल्पी आपके पास में मिक्सिंग के बाद में वो H3 है। सो देखिए आपके पास में यहाँ से एयर इधर से फर्स्ट स्ट्रीम आ रही है, इधर से सेकंड स्ट्रीम आ रही है, दोनों मिक्स होने के बाद में इधर चली गई। यहाँ पर दो चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती हैं, एक तो मास कंजर्वेशन लॉ होता है, एक हीट कंजर्वेशन लॉ। हीट कंजर्वेशन लॉ क्योंकि यहाँ से आपके पास में एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस होने के कारण ना तो हीट इसमें एंटर हो रही है और ना ही एग्जिट हो रही है। इसका मतलब टोटल हीट इसकी प्लस इस जो स्ट्रीम फर्स्ट की एंथैल्पी प्लस स्ट्रीम सेकेंड की एंथैल्पी मिक्स होने के बाद में यहाँ पर जो एंथैल्पी होगी वो आपके पास में टोटल एंथैल्पी भी कॉन्स्टेंट होगी। दूसरी बात है कि मास ऑफ एयर यहाँ से एंटर कर रहा है, मास ऑफ एयर एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास में मास जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तीसरी जो चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी वो आपके पास में जो मास ऑफ वाटर वेपर है, मास ऑफ वाटर वेपर है, यहाँ से भी मास ऑफ वाटर वेपर ही है। तो आपके पास में ये जब यहाँ से कोई एक्स्ट्रा वाटर वेपर इसके इनसाइड में एंटर नहीं कर रहा, नहीं एग्जिट कर रहा है, तो आपके पास में मास ऑफ वाटर वेपर भी कॉन्स्टेंट रहेगा। सो इन तीनों सिचुएशन को अप्लाई करते हैं अपन। फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं अपने मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ से, जिसमें पहले ड्राई एयर के लिए देखते हैं। अब देखिए आते हैं अपने मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ ड्राई एयर। तो मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ ड्राई एयर की बात करते हैं तो ये आपके पास में स्ट्रीम फर्स्ट का मास है, ये स्ट्रीम सेकंड का मास है। मिक्सिंग के बाद में जो मास टोटल मास रहेगा आपके पास में M3 रहेगा। सो ड्राई एयर का मास टोटल मास आपके पास में कॉन्स्टेंट रहेगा। इसके बाद अपन मास ऑफ वाटर वेपर की बात करते हैं, तो मास ऑफ वाटर वेपर होगा फर्स्ट स्ट्रीम में आपके पास होगा M1 × W1, यानी मास ऑफ ड्राई एयर मल्टीप्लाई बाई ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसी तरह से मास ऑफ स्ट्रीम सेकंड में जो वाटर वेपर की क्वांटिटी होगी वो होगी M2 × W2। लेकिन मिक्सिंग के बाद में जो आपके पास में वाटर वेपर की क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है, आपके पास में कहीं से भी वाटर वेपर उसके साथ एंटर नहीं कर रहा, एग्जिट नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये भी आपके पास कॉन्स्टेंट रहेगी। तो ये है आपके पास में M3 और W3।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि मिक्सिंग जो है आपके पास में एडियाबेटिकली है। एडियाबेटिकल का मतलब ये होता है कि बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग जो एंथैल्पी है, टोटल हीट है, वो क्या रहेगी आपके पास में, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो स्ट्रीम फर्स्ट की जो एंथैल्पी है एंट्रिंग के टाइम पे वो एम वन एच वन है, और इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ स्ट्रीम टू होगी आपके पास में एम टू एच टू। लेकिन आफ्टर मिक्सिंग भी आपके पास में कॉन्स्टेंट रहती है, तो ये होगी एम थ्री एच थ्री। सो यहाँ से आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर थर्ड है। इन तीनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद में अपन यदि M1 M2 का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो आपके पास में स्पेसिफिक हीट जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की फॉर्म में आपके पास में ये आता है, और एंथैल्पी की फॉर्म में आपके पास में ये आता है। देखिए अब यहाँ से देखिए कि ये आपके पास में मान लीजिए डिजायर कंडीशन थ्री है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की कंडीशन में। सो आपके पास में ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो आपके पास में यदि यहाँ से आपके पास में जो एक जो सर्कुलेटिंग एयर है आपके पास में मान लीजिए M2 है और आउटडोर M1 है, सो इस केस में आपके पास में तीनों क्वांटिटी एक डिजायर कंडीशन है, दो नॉन पैरामीटर हैं, उसके आधार पर फ्रेश एयर की क्वांटिटी जो है आउटसाइड जो एयर है वो कितनी सप्लाई होनी है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं एज ए पर डिजायर के हिसाब से। अब देखिए ये डिजायर होने के बाद में जब M1 M2 के आपके पास में आ गया, तो यहाँ से जो S3 लोड कंडीशन है कि आपके पास में लोड क्या होगा उस सिचुएशन पे, ये भी अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिक्सिंग के बाद में लोड S3 होगा, सो कुल लोड S3 हुआ तो आपके पास टोटल एंथैल्पी ये रही है। तो यहाँ से इस तरह से आपके पास में देखिए कि ये जो एयर है उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है। सो अपन क्या करते हैं कि मास फ्लो रेट की जगह अपन वॉल्यूम फ्लो रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस रेट से वो आपके पास में स्ट्रीम जो फ्रेश एयर आउटसाइड से आपको सप्लाई कर रही है उसका क्या रेट होगा, फ्लो रेट क्या होगा, और जो रिसर्कुलेटिंग एयर है उसका फ्लो रेट ऑफ क्या होगा इस तरह से। सो आपके पास में यहाँ से देखिए कि ये स्ट्रीम फर्स्ट है आपके पास में, ये स्ट्रीम सेकेंड है, स्ट्रीम की इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये थी, इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये थी, यहाँ से इसकी एंथैल्पी आपके पास में ये थी और इसकी एंथैल्पी ये थी। अब जब आप इसको साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर प्रोसेस करते हैं, तो आप जो पॉइंट थ्री है आफ्टर मिक्सिंग कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और मिक्सिंग कंडीशन फाइंड आउट करने के बाद में आपको कितनी इसकी स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसको राइज करना है, या एम थ्रू की कितनी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम होगी, और फाइनल रिजल्ट क्या होगा, और कितना इस पर कूलिंग या हीटिंग लोड लगेगा, वो अपन इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट से डिसाइड कर सकते हैं। और मास फ्लो रेट आइदर द मास फ्लो रेट और आइदर द वॉल्यूम फ्लो रेट भी अपने दोनों स्ट्रीमों का फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये जो है आपके पास में है मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आपके पास में, जहाँ आप एयर कंडीशनिंग करते हैं, फ्रेश एयर सप्लाई करते हैं वेंटिलेशन के लिए, और रिसर्कुलेटिंग एयर है उसका क्या प्रोपोर्शनेट होगा, क्या रेशियो होगा, ये डिजायर कंडीशन पर डिपेंड करता है। धन्यवाद।